तीन रंगीन शेर और विशाल बाघ का खून का बदला। बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह इन भाइयों की गुलामी करो। पिताजी, आप बस मुझे इशारा दो, मैं इन तीनों भाइयों को यूं खत्म कर डालूंगा। नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, हमें बड़ी ही सावधानी से उनका सामना करना होगा। मैं तो बस मौके के इंतजार में हूँ। आप बस मौके का इंतजार करते रहो, कल को मैं भी आपकी ही तरह उनकी सेवा करते करते बूढ़ा हो जाऊंगा। बेटा, मेरी बात तो सुनो। बेटा, अब हमारे रास्ते से कांटों को निकालने का वक्त आ गया है। क्या मतलब है आपका? रुद्र अकेला पास के जंगल जा रहा है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यही असली मौका है, हम उस रुद्र को रास्ते से हटा देते हैं। जैसे ही रुद्र की मौत होगी, वीरू और सिम्बा अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे। फिर उन दोनों को मारना हमारे लिए चुटकी बजाने के बराबर होगा। तो नेक काम में देरी क्यों, चलो चलते हैं। उन बाप बेटे की ये मजाल, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वीरू, चलो मेरे साथ। हमारी चाल का पता लग गया है बेटा। गब्बर, मैं इस रुद्र को रोकता हूँ, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि वो दोनों हमारे और करीब आए। नहीं पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा देखो, तुम्हें मेरी कसम, जाओ यहाँ से। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका, पर मैं वादा करता हूं कि मैं आपके खून का बदला जरूर लूंगा। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? तुम कौन हो और दिखाई क्यों नहीं देते? मैं एक जादुई गुफा हूँ। मेरे पास जो भी परेशानी लेकर आता है, मैं अपनी जादुई शक्तियों से उसकी परेशानी को दूर कर देती हूँ। यही मौका है इन तीन भाइयों से मेरे पिता के खून का बदला लेने का। हमारे जंगल में तीन शेर भाई है जो बड़े ही जालिम और निर्दयी है। वो जानवर पर काफी जुल्म करते हैं। जब मेरे पिता ने उन्हें रोकना चाहा, तो उन्होंने मेरे पिता को मार डाला और मैं अनाथ हो गया। मैं चाहकर भी उन तीनों भाइयों का कुछ नहीं कर सका। देखो, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से एक विशाल बाघ में बदल दूंगी, जिससे तुम आसानी से उन तीनों भाइयों को मार सकते हो।
पर हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी बोली हुई बातें झूठी निकली और तुमने मेरी दी हुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया तो तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। ये शक्तियाँ तुम सिर्फ जानवरों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हो। रुक जाओ, कौन हो तुम और क्यों हमारे मासूम जानवरों को मार रहे हो? मुझे तुम तीनों का ही इंतजार था। तुम लोगों ने मेरे पिता को मार डाला, तब मैं कुछ नहीं कर सका, पर अब मेरी बारी है तुम तीनों को मारने की। अच्छा, तो तुम उस गद्दार बाग के बेटे हो? खबरदार जो मेरे पिता को गद्दार कहा तो। गुफा की दी हुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, उसे झूठ बोला, इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। राक्षस, उड़ता सफेद शेर और तीन जादुई शेर। जंगल पर तीन शेर भाइयों का राज्य था, सिम्बा, वीरू और रुद्र। तीनों बहुत ही ताकतवर और शांत स्वभाव के थे। इतना ही नहीं, तीनों के पास एक जैसी जादुई मणि थी जिससे वो जंगल पर आने वाली हर मुसीबत को दूर करते थे। इस जादुई मणि की एक खासियत थी, उसकी शक्तियाँ उसी वक्त काम करती थी जब तीनों भाई एक साथ होते थे। अगर उन तीनों में से कोई एक भी ना हो तो उस मणि की शक्तियाँ कमजोर पड़ जाती थी। ऐसे में एक दिन उस जंगल में एक राक्षस उड़ने वाला सफेद शेर आसमान से होते हुए जंगल में आता है। उसके पास कई सारी दुष्ट शक्तियाँ थी। वो जैसे ही जंगल में आता है, वो अपने आप से कहता है, कई वर्षों से मैं उस मणि को पाने की कोशिश कर रहा हूँ, आज जाकर मुझे उसका पता चला है। अब मैं किसी भी कीमत पर वो मनी हासिल करके ही रहूंगा। यूं वो अपने आप से बातें कर रहा था कि तभी उधर से गुजर रहा बाघ उसकी सारी बातें सुन लेता है। बाघ सिम्बा और उसके दोनों भाइयों से बहुत नफरत करता था। वो उन तीनों में फूट डालकर उन्हें मारना चाहता था ताकि वो उस जंगल का राजा बन सके। शेर की बातें सुन बाघ अपने मन में सोचता है, लगता है अब जाकर मेरा सपना पूरा होने वाला है। मैं इस शेर की मदद करूंगा ताकि वो मणि की लालच में उन तीनों भाइयों को मार डाले। ऐसा हो गया तो मैं आसानी से इस जंगल का राजा बन जाऊंगा और इस जंगल पर राज करूंगा। यूं सोचकर बाघ शेर के सामने जाता है। अरे वो शेर, जो तुम सोच रहे हो वो उतना आसान नहीं है। जब तक वो तीनों शेर भाई जिंदा है, तुम उस मणि को देखना तो दूर, उसके आसपास भी नहीं भटक पाओगे। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। वो दहाड़ मारते हुए कहता है, ये मजाल कि तू मेरे सामने उन दुश्मनों की तारीफ कर रहा है। लगता है तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं अगर चाहूँ तो पलक झपकते ही इस पूरे जंगल को तबाह कर सकता हूँ और बर्बाद भी। समझा? इस जंगल को बर्बाद करने में शायद तुझे पलक झपकने का समय लगेगा, पर अगर वो तीनों भाई ठान ले कि तुझे खत्म कर दे तो वो पलक झपकने का भी समय नहीं लेंगे और तुझे खत्म कर डालेंगे। तो उन तीनों को कैसे खत्म किया जाए? ये हुई ना बात, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक वो तीनों एक साथ है, कोई भी ताकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
उन्हें मारने के लिए पहले उन्हें अलग करना जरूरी है। वो सब तो ठीक है, पर तुम क्यों मेरी मदद कर रहे हो? बाघ नकली आंसू लिए हुए कहता है, उन तीन भाइयों की वजह से मेरा पूरा परिवार मुझसे बिछड़ गया, मैं अनाथ हो गया। मेरे जीवन का अब एक ही मकसद है, उन तीनों भाइयों की बर्बादी देखना। यूं वो दोनों सिम्बा और उसके भाइयों को अलग करने की योजना बनाने लगते हैं। वही दूसरी ओर सिम्बा अपने भाइयों से कहता है, देखो मैं एक जरूरी काम से पास के जंगल जा रहा हूँ, मेरे आने तक तुम दोनों अपना और जंगल का ख्याल रखना। हाँ भाई, हम संभाल लेंगे, तुम चिंता ना करो। यूं सिम्बा पास के जंगल की ओर निकलता है। ये सब पेड़ पर बैठा बाघ का खबरी कौवा सुन लेता है और वो तुरंत जाकर बाघ को सारी बात बताता है। बाघ खबर सुनकर खुश हो जाता है और वो शेर से कहता है, अरे ओ, तुम्हारी किस्मत तो बड़ी अच्छी है, बिना कुछ किए ही मौका तुम्हारे हाथ आ गया। सिम्बा अकेला पास के जंगल जा रहा है, तुम रास्ते में ही उसका काम तमाम कर डालो, फिर बड़ी ही आसानी से वो जादुई मणि तुम्हारी हो जाएगी। शेर और बाघ सिम्बा को ढूंढते हुए निकलते हैं। जैसे ही शेर की नजर सिम्बा पर पड़ती है, वो उस पर हमला करता है। अचानक हुए हमले से सिम्बा चौंक जाता है। इससे पहले कि वो कुछ सोचे, शेर आसमान में उड़ते हुए सिम्बा पर बार बार हमला करता है। सिम्बा उसके हमले से बचने की कोशिश कर रहा था। यूं करते करते सिम्बा एक पत्थर से टकरा कर पास के एक खाई में गिर जाता है। ये देख शेर और बाघ खुश हो जाते हैं। आखिरकार तुमने कर दिखाया, अब बस उन दोनों का भी काम तमाम कर दो, फिर मुझे इस जंगल का राजा होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर शेर जोर जोर से हंसने लगता है। क्या हुआ, क्यों तुम पागलों की तरह हंस रहे हो? अरे ओ बाघ, पागल मैं नहीं, पागल तुम हो जो दिन में सपने देख रहे हो, मणि और ये जंगल दोनों मेरे हैं। ये सुनकर बाघ घबरा जाता है। इससे पहले कि वो वहां से भागने की कोशिश करे, शेर उस पर हमला कर उसे मार डालता है। शेर उड़ता हुआ वीर और रुद्र के पास जाता है। दोनों भाई शेर को देखकर, कौन हो तुम और हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारे भाई सिम्बा को मार डाला है, अब तुम दोनों की बारी है। अगर तुम दोनों अपनी जान की खैर चाहते हो तो वो जादुई मणि मुझे दे दो। सिम्बा की मौत की खबर सुनकर दोनों भाई घबरा जाते हैं। नहीं भाई, वो कुछ नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। शेर रुद्र और वीरू पर हमला करता है। तीनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। शेर अपनी जादुई शक्तियों से वीरू और रुद्र को घायल कर देता है। तुम चाहे हमारी जान ही क्यों ना ले लो, पर हम तुम्हें किसी भी कीमत पर मणि तक नहीं पहुँचने देंगे। ये देख शेर कहता है, तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे, पर मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये कहकर शेर वहाँ खड़े जानवरों पर अपनी जादुई शक्ति से हमला करने लगता है। ये देख रुद्र कहता है, छोड़ दो इन मासूम जानवरों को, हम तुम्हें वो जादुई मणि देने के लिए तैयार है। ये सुनकर शेर बहुत खुश हो जाता है, वो जोर जोर से हंसने लगता है। वीरू और रुद्र शेर को वो मणि देने ही वाले थे कि सिम्बा वहाँ आता है। वीरू और रुद्र सिम्बा को देखकर खुश हो जाते हैं। वही दूसरी ओर शेर सिम्बा को देखकर घबरा जाता है। क्यों, मुझे जिंदा देखकर घबरा गए? तुमने क्या सोचा कि मैं खाई में गिरकर मर गया? जब मैं खाई में गिरा तो एक पेड़ से लटक कर बच गया और जैसे तैसे करके यहाँ चला आया। ये सुनकर शेर घबरा जाता है। तीनों भाई जादू मणि की ताकत से एक विशाल पंखों वाले शेर में बदल जाते हैं। ये देखकर सफेद शेर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तीनों विशाल पंखों वाले शेर में बदले भाई उस दुष्ट सफेद शेर पर हमला करके उसे मार डालते हैं। जैसे ही उड़ने वाले सफेद शेर का अंत होता है, तीनों भाई अपने अपने रूप में आ जाते हैं। ये देख
जंगल के सारे जानवर खुश हो जाते हैं। जंगल में फिर से खुशियाँ छा जाती है।